हेलो बच्चों, आज हम स्टोरी सुनेंगे अदरक की रोटी। जी हाँ, अदरक की रोटी। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत और उसका पति एक छोटे से पुराने घर में अकेले रहते थे। बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी भूखे थे, तो बूढ़ी औरत ने मनुष्य के पुतले के जैसा एक अदरक की रोटी बनाने का फैसला किया। उसने आटे में सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक मिलाया और आटे को गूंथ कर लोई बनाई और एक बहुत अच्छी अदरक की रोटी का पुतला बनाया। उसने किशमिश से उसकी आँखें और चेरी के फलों से उसके बटन बनाए। बूढ़ी औरत ने उसे पकाने के लिए ओवन में रख दिया। जब वह पूरी तरीके से पक गया, तब उसने धीरे धीरे ओवन का दरवाज़ा खोला। वह बहुत ही आकर्षक अदरक की रोटी थी। देखते ही देखते रोटी उछली और दरवाजे से निकल के भागी। वह कह रहा था, भागो भागो, तेज भागो, आप मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं रोटी का पुतला हूँ। बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी उसके पीछे भागे, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ सके। बूढ़ी औरत चिल्लाई, रुको, लेकिन रोटी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वह रोटी कहते हुए भागती रही, भागो जितना तेज हो सकता है, भागो, आप मुझे पकड़ नहीं सकते, मैं तो रोटी का पुतला हूँ। रोटी बगीचे में भाग गई और बूढ़ा आदमी पीछे रह गया। रुक जाओ रुक जाओ, बूढ़े आदमी ने कहा, हम तुम्हें खाना चाहते हैं। लेकिन वह दौड़ती हुई यही जप रही थी, भागो जितना जल्दी हो सकता है, भागो, आप मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं तो रोटी का पतला हूँ। रोटी बाड़े की ओर भागती हुई चली गई। बेचारे बूढ़े आदमी और औरत रोकने का प्रयास करते हुए दौड़ते चिल्लाते रहे, रुको रुक जाओ, हमने तुम्हें खाने के लिए बनाया है। जब रोटी बाड़े से गुजर रही थी, तो उसे एक गाय मिली। गाय ने कहा, रुको रुको, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। लेकिन अदरक की रोटी नहीं रुकी और वह और भी तेजी से दौड़ने लगी। उसके पीछे पीछे गाय, बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत और उसका पीछा करते हुए दौड़ रहे थे, लेकिन रोटी उनसे भी तेज दौड़ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वह एक घोड़े से मिली। रुको छोटे बच्चे, रुको, घोड़े ने आवाज दी, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। लेकिन अदरक की रोटी इतना सुनते ही और तेजी से दौड़ी और पलक झपकते ही गायब हो गई। अब तो घोड़ा भी उसका पीछा करने लगा। रोटी खेतों से गुजर रही थी, उसे तीन किसान मिले जो काफी देर से मेहनत कर रहे थे और अब भूखे थे। रुक जाओ, हमें भूख लगी है, हम तुम्हें खाना चाहते हैं, किसानों ने कहा। लेकिन रोटी बोली, भागो भागो और तेज भागो, आप मुझे नहीं पकड़ सकते, यही कहते हुए वहां से भाग गई और तीनों किसान भी उसके पीछे दौड़ने लगे। रोटी भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंची और अरे नहीं, वो मुझे पकड़ लेंगे, और निराश होकर खड़ी हो गई। तभी एक चालाक लोमड़ी आई, वह भूखी थी। उसने रोटी से कहा, मेरी पीठ पे बैठ जाओ रोटी, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगी। रोटी बोली, पर आप वादा करो मुझे खाओगी नहीं। लोमड़ी बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तभी रोटी ने अपने पीछे भीड़ देखी, सभी दौड़ते हुए आ रहे थे। उसने लोमड़ी से कहा, जल्दी करो, अन्यथा जानवर और मेरे पीछा करने वाले लोग मुझे पकड़ लेंगे और खा जाएंगे। ऐसा कहके वह लोमड़ी की पीठ पर बैठ गई। जल्दी वो नदी पार करने के लिए नदी में उतर गए। बीच नदी में पहुँचने के बाद लोमड़ी बोली, तुम इतनी भारी हो कि मेरी पीठ में दर्द होने लगा है, मैं थक गई हूँ, तुम एक काम करो, मेरी नाक पर आके बैठ जाओ। जैसे ही रोटी उसकी नाक पर बैठ गई, लोमड़ी ने रोटी को हवा में उछाला और खा लिया। इस प्रकार अदरक की रोटी का अंत हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें कभी भी दुष्ट लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। दुष्ट लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। थैंक यू।